नमस्कार, बीएनएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीके मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। भदोही जिले के तेज तर्रार पत्रकार और पत्रकार प्रेस परिषद के पदाधिकारी रहे जयशंकर दुबे की साजिशन हुई हत्या के मामले में आज हम लोगों ने यहां मंडलायुक्त को पत्रक दिया। पत्रकार प्रेस परिषद समेत मिर्जापुर और भदोही के तमाम पत्रकार, हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हमारे साथ रहे। मंडलायुक्त ने पुलिस अधीक्षक से बात की है, पूरे मामले पर विवेचना निष्पक्ष तरीके से कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। पूरे प्रकरण में जयशंकर दुबे ने दो खबरें की थी जो साजिशन हत्या की वजह बनी। अब आज यहाँ पत्रकारों के साथ पत्रक दिया गया, तो क्या मांगे की गई हैं कमिश्नर से? और तेज तर्रार निर्भीक पत्रकार जयशंकर दुबे की जो साजिश के तहत दुर्घटना करके उनकी हत्या की गई है और पुलिस में जो FIR दर्ज कराई गई, पुलिस ने ठीक से विवेचना का कार्य प्रारंभ नहीं किया। इसे क्षुब्ध होकर के न्याय के लिए हम लोगों ने यहाँ कमिश्नर साहब से बात की, भेंट किया और उनको पत्र दिया और मांग की गई कि जो ये साजिशन हत्या की गई है इसकी ठीक से विवेचना की जाए। और चूँकि भदोही की पुलिस अभी ठीक से कार्य नहीं कर रही है, तो इसलिए या तो भदोही की पुलिस SIT बना के विवेचना किया जाए या कहीं किसी दूसरे जिले की पुलिस से विवेचना की जाए। कमिश्नर ने प्रत्यावेदन पर संज्ञान लिया और तुरंत भदोही के पुलिस अधीक्षक से बात कर ठीक ढंग से जाँच कराने का आश्वासन दिया और आश्वासन दिया कि जाँच में जो दोषी पाया जाएगा उसको कठोर सजा मिलेगी।